Hey,
Oh, no.
देखो सुनने वाला भजन है, एक बार गुजारिश करूंगा जितने मेंटर के संदर्भ में मंच पर आओ सभी, संजय जी सभी को लेकर के आज एक बार मंच पर आओ, एक बार मंच पर आओ, एक बार विशाल जी सभी एक बार मंच पर आओ। हाँ, एक बाबा के दरबार में चार जाट भगत बाबा के दरबार में गए रोहतक से। बाबा से जाकर के बोले, देखिए एक के पास 2 एकड़ जमीन, दूसरे के पास 5 एकड़ जमीन, तीसरे के पास 10 एकड़ जमीन और चौथे के पास 40 एकड़ जमीन। अब बाबा शाम के दरबार में गए तो पहले वाला बाबा से बोला, बाबा ने बोला भाई क्यों आया भाई। अब बाबा से कहने लगा, बाबा मैं खेतों में जाऊं सू, बाबा मैं खेतों में जाऊं सू, पैदल जाऊं सू, तो बाबा एक छोटी सी मेरी अर्जी सुन लो। बाबा ने सोचा बहुत कुछ मांगेगा, बाबा ने बोला बोल मांग। तो बाबा से बोला, बाबा मुझे साइकिल चाहिए, इस साइकिल चला करके मैं अपने खेतों में जाऊं। बाबा ने बोला चल ले जा, बोलो सच्चे दरबार की। तब दूसरे की बारी आई तो दूसरे से बोले, बता तुम्हें क्या चाहिए। तो बाबा बोला, बाबा मैं भी खेतों में जाऊं सू, जब आप इसको साइकिल दे सकते हो तो बाबा मने एक चेतक स्कूटर दे दो कि मैं भी खेतों में जाऊं, चेतक पे बैठ करके जाऊं। तो बाबा ने बोला जा ले जा, तुम भी ले जा, बोलो सच्चे दरबार की। तीसरे भगत से बोला, तो तीसरे भगत ने बोला, बाबा मुझे भी एक गाड़ी दे दे। बाबा ने बोला जा तू भी ले जा। तीसरे वाले ने बोला, सॉरी बाबा से बोला कि बाबा जब तुम उसको साइकिल दे सकता है, इसको चेतक दे सकता है, तो बाबा मैं भी खेतों में जाऊं सू, अगर तेरी कृपा हो जाए तो एक लाल फरारी कार मुझे भी दे दो, मैं गाड़ी के दरवाजे ऊपर करके पानी घूमा बोलो सच्चे दरबार की। मेरा बाबा इतना बड़ा दरबार कहता जा भाई तू भी फरारी ले जा। अब जब बात आई चौथे की, 40 एकड़ जमीन, बाबा ने बोला बता तने के चाहिए। तो बाबा से बोला, बाबा तो तने हर कोई मांगने वाले लगे हैं, कितने हर कोई मांगने वाले लगते, मुझे मांगने नहीं आया, मैं तो तेरा दरबार देखने आया हूँ, तेरी दातारी देखने के लिए आया हूँ। तो बाबा से एक ही बात बोला, बाबा से क्या, चेतक चाहिए जी ना चस्का लाल फरारी का, ना कुमण चेतक चाहिए जी और ना चस्का लाल फरारी का। आइए किस प्रकार वो जाट भगत बाबा से बात कर रहा है, आइए 1 2 1 2 3 Stop!
देवउठनी ग्यारस में जब लोग बाबा के दरबार गए थे, एक बार हाथ खड़े करना, बाबा का जन्मोत्सव जो कि आज श्री श्याम सेवा समिति मिलकर के मना रही है, हम भी गए थे बाबा के दरबार, एक बार हाथ खड़े करो। और आज जो जो बाबा को जन्मदिन की बधाई यहाँ पर देने आए हैं वो हाथ खड़े करो। क्या बात है, इनके हाथ नीचे मैं क्या समझू, एक बार हाथ खड़े करो बिल्कुल सीधे सीधे ये बात, और मिलकर के मेरे साथ में कहना क्या, अरे खातू अरे श्याम घड़ी कर Party!
भारी भर के लाई रखी पिड़ो ऊपर की बात Oh!
ओपी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ खड़े करें बिल्कुल सीधे सीधे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में बड़ा मारने के बड़े भैया नरेश सैनी जी आ चुके हैं, कुछ कुछ कोशिश करते हैं उनकी कॉपी करने की, लेकिन अभी जी के कुछ कमी रह जाती है। एक बार बिल्कुल